Happy birthday to you. Happy birthday dear Luigi. Happy birthday to you. डॉली मेरे लिए बड़ा वाला पीस था, पहले काट लूं। मम्मी जी मैं 7 इक्वल पीसेस काट के लाती हूँ। हाँ, 7वां वाला बड़ा होना चाहिए। आराम से। चलो बच्चों। चलो 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 चलो। मम्मी जी ये आपके लिए। पापा जी सोनू और मेरी तरफ से। ये करने की क्या जरूरत थी? ठीक है दे दे वापस कराते हैं। घड़ी? हाय, मेरी माँ के घर में भी ऐसी घड़ी थी। पता है बचपन से मैंने सपना देखा था कि जब मेरा अपना घर होगा ना तो ऐसी घड़ी रखूंगी मेरे घर में। तुम लोगों ने मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। बस बस डॉली खुशी का मौका है, बर्बाद मत कर उसे। इतनी महंगी घड़ी? रसीद गलती से अंदर रख। 21,000 की घड़ी? 21,000 की घड़ी? 21,000 की घड़ी? आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? एक मिनट, तूने मुझसे और पापा जी से तो 2,000 का ही कंट्रीब्यूशन लिया था, इसका मतलब तूने खर्चे बाकी 1,500। अबे ले आराम से बैठ जा, तेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितने हजार दिए। हाँ मतलब तुम दोनों ने सिर्फ 2,000 दिए और मेरे मोनू ने 17,000। हाँ वही 17,000। देख डॉली मेरे से तो मोनू ने जितने मांगे ना मैंने दे दिए, मतलब दे दूंगा तेरे अगले जन्मदिन तक। तू साबित क्या करना चाहता है ज्यादा पैसे खर्च करके? हाँ कि तू वालिया परिवार का हीरो है, सब कुछ तूने संभाल रखा है ना? सुनू मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ, गलती से रसीद डिब्बे में रह गई। ओ अच्छा अच्छा, ओप्स सॉरी मम्मी जी, वो गलती से रसीद रह गई। लेकिन देखा आपने मैंने सोनू से ज्यादा पैसे खर्च किए, तो इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, हूं ना मैं आपका श्रवण कुमार। लेकिन सुन ले मम्मी जी पापा जी जब अंधे हो जाएंगे ना तो मैं उन्हें टोकरी में बिठा के ले जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे। चपड़ गंजू इसको अंधा कर, मेरे को क्यों अंधा कर रहा है? और याद रख दुनिया में ऐसी कोई टोकरी नहीं बनी जिसमें जसबीर दिवालिया दी ग्रेट बैठ सके। हाँ और इसलिए पापा जी और मैं तुझे अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दे देंगे। नहीं बेटा मैं अंधा ही ठीक हूँ, टोकरी में बैठ जाऊंगा। नहीं पापा जी मुंह पे फेंक के मारेंगे पूरे 7,000 रुपए। सुनू तू थोड़ा रिलैक्स करेगा, 2,000 पहले दे चुका हूँ और बाकी बचे 5,000 रुपए। पता है 5,000 दे दूंगा। ठीक है मुंह पे मार मेरे पैसे और बंद कर अपना रोना धोना। मारूंगा ना तेरे मुंह पे पैसे। अरे यार अच्छा ही तो कर ही नहीं सकते। चुप करो, ये घड़ी नहीं है, दुखों का टाइम बम है। मतलब जब भी मैं घड़ी में टाइम देखूंगी ना तो घड़ी घड़ी तुम लोगों की लड़ाई याद आएगी। नहीं चाहिए मुझे घड़ी, वापस कर। हाँ ये सही कह रही मम्मी जी, वापस कर दो इस घड़ी को, ये ही ठीक रहेगा। मम्मी जी प्लीज आप ये घड़ी रख लीजिए। ये घड़ी नहीं है, श्राप है श्राप। मैंने कहा ना आप इसे रख लीजिए। इसे ढूंढने के लिए मैंने दिल्ली की हर मार्केट की खाक छान मारी कि आपको वो घड़ी मिले जो आपके पास बचपन में थी और आपका बर्थडे स्पेशल हो जाए। जूते घिस गए, 2 किलो वजन कम हो गया इसको ढूंढने के लिए और आप कह रही है वापस कर दे। हाँ नहीं कभी नहीं, आप इसे रखेंगी और आप इसे पसंद भी करेंगी करेंगी। अच्छा मतलब तुम दोनों ने इसे घड़ी ढूंढने के लिए भी मदद की? हाँ नहीं मतलब वो मोनू बेटा हरामखोर, तूने पैसे ज्यादा दिए सिर्फ ये बताना काफी नहीं था? अरे सब चाल है पापा जी, इसकी हीरो बनना चाहता है ये। अबे काय का हीरो, कॉमेडियन है। क्या बकवास है, मुझे ना ये घटिया घड़ी लानी नहीं चाहिए थी। अच्छा अब माँ के लिए कुछ करना बकवास लेने लगा तुझे। नहीं मम्मी
मम्मी जी घमंडी, ले जा अपनी घड़ी वापस, नहीं चाहिए मुझे। मिस्टर सुमित वालिया, आपने अपने माता जी के जन्मदिन का घंटा बजा दिया। कितना स्पेशल गिफ्ट दिया ना तुमने। अरे इतना स्पेशल गिफ्ट तो मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं दिया है, और मिला क्या, घंटा। सच, इतना स्पेशल गिफ्ट तो तुमने जिंदगी में कभी किसी को नहीं दिया। नहीं, मैं भी सोच रही थी कि तुमने अपने मम्मी जी के गिफ्ट के लिए कितनी मेहनत की ना, क्यों ना करो, आखिर तुम्हारी मम्मी जी तो सबसे स्पेशल है ना तुम्हारे लिए जिंदगी में। गुड नाइट। नहीं मतलब मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि तुम मुझे जो गिफ्ट देते हो इतने स्पेशल क्यों नहीं होते। मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। सुमित, तुमने तो कहा कि तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो। बात को घुमाओ मत, जवाब दो। ये बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे लिए तुम्हारा हर एक गिफ्ट बहुत स्पेशल होता है। क्या दिया तुमने स्पेशल? हर बर्थडे पे नई कढ़ाई गिफ्ट करते हो, 11 कढ़ाइयां हो गई है किचन में। या फिर ऐसी कोई चीज देते हो जो मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे ये पजामे। तो देखो ना कि मैं कितना आज्ञाकारी पति हूँ। मैं मम्मी जी की तरह सेंटी नहीं मारती, इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करोगे क्या? तुम हंस रहे हो? हाँ, अपनी किस्मत पे। यहाँ तुम मुझ पे बरस रही हो जबकि कल ही मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल न्यू ईयर गिफ्ट खरीद लिया। ना मानो पर ये गिफ्ट देख के तुम्हारे तोते, मैना, कौए सब उड़ जाने। प्लीज। याद है जब हम पिछले हफ्ते कहीं से गुजरे थे तो तुमने एकदम से कुछ कुछ कहा तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। आहा आहा आहा, तभी सोच लिया कि ये माया के लिए स्पेशल गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट ताओ ना। गुड नाइट माया। आई एम सॉरी सुमित। जाओ, माफ किया। अरे तुमने लाइट्स क्यों बंद कर दी? वो मैंने सोचा कि अंधेरे में हम पकड़न पकड़ाई खेलते। पकड़न पकड़ाई। सब खेलकूद के दुश्मन है। तुम्हारे मैनर्स का है? हाय सुमित। हेलो, कैसे हो? अंदर आओ ना। खेलकूद का दुश्मन कहीं का? सिमरन, तुमने न्यू ईयर शॉपिंग कर ली? हाँ, मुझे तो शॉपिंग बहुत पसंद है सुमित। पता है मैंने क्या क्या खरीदा? मैंने वो बहुत अच्छे। मैं माया को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या खरीदूं? मुझे पता है, पजामे। सुमित, माया को पजामे बहुत पसंद है। सिमरन, ये तो मैं भी जानता हूँ कि माया को पजामे बहुत पसंद है। उसके अलावा तू ऐसा कर, तू ना खुली हवा में जाके सोच, तू सब समझ में आ जाएगा। मैं उसे एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जिसमें मेरी मेहनत, मेरा प्यार साफ साफ दिखे माया को। उसे पता चल जाए कि मेरे आइडिया कितने ओरिजिनल होते हैं। बताओ ना, मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ? अच्छा, समझ गया। सिमरन,
इसने ना मम्मी जी को एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया था। और अब माया से प्रेशर आ रहा होगा उससे भी बेहतर गिफ्ट देने के लिए उसे। तुझे लगता है मैं प्रेशर में आके माया को स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ? इतना नीच कमी ना हो। हाँ सुमित तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम जो भी चूज करोगे ना सही ही होगा। है ना? है ना? क्योंकि मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है। क्या? लाल रंग की बड़ी वाली नॉनस्टिक कढ़ाई। शीशे का ढक्कन अलग, कढ़ाई चिकन बनाने के लिए परफेक्ट कढ़ाई। आये हाय कढ़ाई चिकन। बोलो तुम आये से मिला भी है कभी? अरे कुछ जानता भी है उसकी पसंद के बारे में? कढ़ाई चिकन किसको नहीं पसंद भाई। अबे गधे सुन, बचपन में माया माथेरान जाती थी ना अपने अंकल के फार्म हाउस पर। माथेरान? अबे हाँ माथेरान हिल स्टेशन, जहाँ पर वो हॉर्स राइडिंग सीखती थी और उसके घोड़े का नाम हीरा था। माथेरान? अबे हाँ, तो उसे माथेरान का ट्रिप गिफ्ट कर देना। एक मिनट, अबे उससे भी फाड़ू आइडिया आया। बोल बोल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो बोलना क्या ख्याल आता है? अबे उसे कभी कभी का एलपी गिफ्ट कर दे, जब वो एल्बम रिलीज हुई थी तो उसका फर्स्ट एडिशन दे। कॉलेज के दिनों में वो हमेशा उसी के गीत गुनगुनाती रहती थी, अरे दीवानी थी उसकी शायरी की। तो कढ़ाई पक्का कैंसिल? खाना। लेकिन कढ़ाई के साथ चम्मच भी फ्री है। तो ऐसा कर, चम्मच ठूस ले सारे मुंह में और निकल यहां से, चल। एलपी दे दूंगा। कौन सी फिल्म थी? क्यों क्यों? नहीं, कौन कौन? कभी कभी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जब कभी भी। कभी कभी जब रिलीज हुई थी तब का फर्स्ट एडिशन। मुझे यकीन नहीं हो रहा सुमित, थैंक सो मच, थैंक गॉड। सुमित जब तुमने कहा था कि तुमने मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लिया है तो मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था। आई एम सो सॉरी जानू। कोई नहीं, तुम्हारा एक्सप्रेशन मेरे लिए यही गिफ्ट है। साहिल लुधियानवी की क्या खूबसूरत शायरी है ना इसमें। मुझे तो अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा है सुमित। साहिल लुधियानवी की क्या खूबसूरत शायरी है ना इसमें। थैंक यू सो सो मच। तू सीखो बच्चों से, तुम भी कभी मुझे स्पेशल गिफ्ट क्यों नहीं देते? ये जो दो बंदर तेरे को दिए हैं ये किसी स्पेशल गिफ्ट से कम है क्या? मैं ना ये गिफ्ट रख के आती हूँ। वैसे सुमित हम कहां से गुजर रहे थे जब तुम्हें ये गिफ्ट देने का आइडिया आया? वो हम जब बाजार से गुजर रहे थे तो तुमने कहा आलू आलू टिक्की क्यों नहीं खाते? आलू टिक्की? हाँ, तो मैंने कहा खा लेनी चाहिए आलू टिक्की कभी कभी, गोलगप्पे भी खा लेने चाहिए कभी 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 कभी। तभी मुझे पता चल गया कि माया के लिए यही गिफ्ट होना चाहिए। आहा। कभी कभी। वाओ वाओ। मेरा दिमाग ना डस्टबिन की तरह है, आलू टिक्की ढूंढो तो कोई और गिफ्ट मिल जाता है। वैसे कॉलेज के फेयरवेल में तुमने कभी कभी का ही गीत गाया था ना माया। जानू तुम आइसक्रीम खाओगे? तुम्हारी तरह मीठी तो नहीं होगी पर क्यों नहीं। हाय जाने मन। हाय जाने तमन्ना। हाय ये देखो मेरे हैंडसम हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया। वाह सुमित ग्रेट आइडिया।
I love it, Sumit. तुम कितने स्वीट हो. तुम तो जानती हो मैं हमेशा इसी बारे में सोचता रहता हूँ कि तुम्हारी स्माइल को और स्पेशल कैसे बनाऊं. इनफैक्ट मैं पहले सोच रहा था कि मैं तुम्हें माथेरान का ट्रिप गिफ्ट करूं. तुम बचपन में वहां जाती थी ना हॉर्स राइडिंग के लिए हीरा पे. तुम्हें घोड़े का नाम तक याद है. वो सारी चीजें जो तुम्हें खुशी देती हैं मेरी दिल की तिजोरी में बंद हैं. ये आदमी इसकी नहीं मेरी दिल की तिजोरी से निकला था ये आइडिया. क्या माथेरान का आइडिया मेरा था. कभी कभी की एलपी का आइडिया भी मेरा था. मेरा मेरा सब कुछ मेरा. भाई चुप हो जा. अरे इसने तो कभी देखी भी नहीं होगी कभी कभी. मैं समझाता हूं तुम्हें. मार ये आइडिया भैया का था. जान ले ले भाई की. माया को सब जानने की जरूरत है. उसे भी तो पता लगे कि उसका असली शुभचिंतक कौन है. आलू टिक्की पे चटनी डाल के तुमने भैया के आइडिया का क्रेडिट ले लिया सुमित. हाँ, हाँ, हाँ। क्या कर रहे हो तुम. क्या मतलब. तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है कि माया को पता चले कि सब तुम्हारा आइडिया था. क्योंकि ये हर बारी बिन बात का हीरो बन जाता है. मम्मी जी के बर्थडे पे भी ना इसने यही किया था. कोई तो होना चाहिए इसे रोकने वाला. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुमने माया के लिए जो गिफ्ट सोचा वो मेरे गिफ्ट से कहीं ज्यादा स्पेशल है. इसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया न्यू ईयर पे. चीतोज में रोमांटिक डिनर का कूपन. पर ये आइडिया तो मम्मी जी ने मुझे दिया था माया को गिफ्ट करने के लिए. मेरे गिफ्ट का आइडिया तुम्हें मम्मी जी ने दिया. इतना नीचे तो मैं कभी नहीं गिरा है ना माया. तुम तो चुप ही रहो. हमेशा चिंता लगी रहती है ना कि मम्मी जी क्या सोचेंगी. हर बार मम्मी 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 मम्मी. अब यहां से बाहर कैसे निकलेंगे. कम ऑन माया. तुमको तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट मिल गया ना तो तुम खुश हो जाओ. आखिर सोच ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सोच तुम्हारी नहीं भैया की थी. और रजनीश तुम्हारी सारी सोच माया के गिफ्ट पे क्यों है. वो मैं तो बस मोनू को उंगली कर रहा था. सॉरी भाई. माफ किया. माफ करने में इंसानियत है ना माया. सुमित प्लीज अब से मुझे कोई गिफ्ट मत देना क्योंकि जब भी तुम गिफ्ट देते हो तो मुझे एहसास हो जाता है कि मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं. हैप्पी न्यू ईयर. तुम भी मम्मी जी बन गई. क्या पूरी बात तो सुनो. मैं तुम्हारे से ज्यादा मम्मी जी के गिफ्ट पे एफर्ट डालता हूं क्योंकि उनको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है. पर तुम वैसी नहीं हो. तुम सुलझी हुई हो. तुम समझती हो कि इन सब चीजों से भी बड़ी कोई चीज होती है और वो है फीलिंग्स. प्यार प्यार प्यार. हाँ बहुत सारा प्यार प्यार प्यार. सॉरी कि मैंने तुमसे इतने सारे झूठ कहे. पर ये भी तो सोचो कि इतने झूठ किसी के लिए वही कमी ना कह सकता है जो उसके लिए स्पेशल हो. सबसे ज्यादा स्पेशल है ना माया. मैं भी तुमसे यही कहने वाला था. सेम टू सेम है ना सिमरन. हद करते तुम्हारे पापा जी. अरे समझते क्या है अपने आपको. क्या हुआ मम्मी जी. क्या हुआ. अरे चुप करो. बहुत गुस्से में हूं मैं. पता है बड़ी मुश्किल से ना बोल बोल के मैंने उनसे न्यू ईयर का गिफ्ट निकलवाया. क्या दिया उन्होंने मुझे. क्या ये रेसिपी बुक. वैसे माया सिमरन तुम लोगों को अपना अपना गिफ्ट पसंद आया कि नहीं. क्या लो इन लड़कों की क्लास.
नहीं मम्मी जी, हमें हमारे गिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों बहुत खुश हैं। और वैसे भी इन दोनों के गिफ्ट इन्हीं की तरह है, खिसके हुए। चलो बढ़िया। और हैप्पी न्यू ईयर। चलो 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 मम्मी जी। हाँ हम दोनों हैप्पी न्यू ईयर। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने हमें माफ तो कर दिया। पूरा माफ नहीं किया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे चुप कर यार, बारह बार सुन चुका हूं। पुचको तेरे लिए। थैंक यू पुचकी। एक बारी और नहीं। Bum 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 b